नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष माइंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बंदर को रविवार के दिन और मंगलवार के दिन रोटी खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं, इससे क्या होता है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि मंगलवार के दिन और रविवार के दिन बंदर को रोटी खिलाने से क्या होता है। दोस्तों, मंगलवार और रविवार के दिन बंदर को रोटी खिलाने से यह होता है कि आपके ऊपर कोई निगेटिव ऊर्जा आने वाली होती है तो वह रिफ्लेक्ट हो जाती है, वह वापस चली जाती है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। आपके साथ कोई अचूक घटना भी नहीं हो सकती है और ना ही किसी तरह का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, बंदर को रोटी खिलाने और पानी पिलाने से यदि आप कोई नया व्यवसाय करते हैं, चाहे पुराना व्यवसाय हो, यदि कोई नौकरी उकरी के तलाश में हो और आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो दोस्तों आप मंगलवार के दिन और सोमवार के दिन बंदर को रोटी खिलाएं, इससे आपके कार्य में ऊर्जा आएगी और आपको इस कार्य में सफलता तुरंत मिलेगी और आपके व्यवसाय में तुरंत ही बढ़ोतरी आ जाएगी और आपका व्यवसाय जो है चलना चालू हो जाएगा। दोस्तों, बंदर को रोटी खिलाने से इसलिए हमें किसी भी कार्य में सफलता मिलती है क्योंकि बंदर के हाथ में पॉजिटिव ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी कार्य में नुकसान नहीं होता और उसमें पूर्ण रूप से सफलता मिल जाती है और हम अच्छी तरह से अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। पॉजिटिव ऊर्जा की ही वजह से हमें दोस्तों सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका कोई भी कार्य बिगड़ रहा हो या व्यवसाय में सफलता ना मिलता हो, आप हर तरह से परेशान हैं, तो दोस्तों आप ज़रूर बंदर को रोटी खिलाएं और उसे पानी पिलाएं, आपका बिगड़ा काम ज़रूर बनेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रहे कि रोटी खिलाने और पानी पिलाने के बाद बंदर को मार के ना भगाएं, उसे अपने मन से जाने दे, नहीं तो आपको उसके पास जाके रोटी खिलाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और इसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आपका रोटी खिलाना और पानी पिलाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस देखने और जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों।